हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छे हो ना? देखो बेटा, जब तक स्कूल नहीं खुलते आप लोग अपने घरों में ही रहना, ज़्यादा इधर उधर घूमना मत, ठीक है ना? अब देखो, हमने आपसे पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने आपसे गोल और लंबी चीज़ों की बात की थी ना, तो आज हम आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब जैसे देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो। इसमें देखो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर बॉल है ना, फुटबॉल है ना ये, तो ये तो आपको पता है कि ये गोल है। ये मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि ऐसी चीज़ें गोल होती हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ये बांसुरी है। ये कैसी दिख रही है? ये लंबी दिख रही है। और ये क्रिकेट की बॉल है, तो ये कैसी है? ये गोल है। अब ये क्या है, ये तो कुछ रोटी जैसा दिख रहा है ना, रोटी या पापड़ हो सकता है, तो ये भी गोल है। अब देखो, अब ये ढोलक जो है ये भी गोल है ना, और थोड़ी थोड़ी लंबी भी है। ये तरबूज है, ये भी गोल है। और ये वाला, ये क्या है, ये तो सेब लग रहा है नहीं, ये भी गोल है। ये टमाटर है और ये भी गोल है। और ये जो है, ये बेलन, ये लंबा है। और ये छड़ी, ये लंबी है। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें बच गई जिस पे हमने निशान नहीं लगाया ना। अब सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर ये क्या है, ईंट है। तो ये कैसी दिख रही है आपको, कैसी दिख रही है, लंबी है कि गोल है? अब देखो बेटा, ना तो ये पूरी लंबी है और ना ये गोल है। ये तो लंबी भी है, थोड़ी ऊंची भी है, थोड़ी चौड़ी भी है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो लंबी और जिनके कोने भी है, इसके कोने भी है ना, तो ऐसी चीज़ों को हम चकोर चीज़ें कहते हैं। अब जैसे ये देखो, ये संदूक है। आपके घरों में होता है ना संदूक, आपकी मम्मी जिसमें कपड़े रखती हैं उसे संदूक भी तो कहते हैं, है ना? तो ये कैसा दिखता है देखो, इसके भी कोने होते हैं, ये भी लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, और ऊपर से कैसा दिखता है देखो, बिल्कुल चकोर दिखता है ना? अब देखो, ये डिब्बा है तेल का, है ना? तो ये भी, ये कैसा है, ये भी, इसे भी हम चकोर कहेंगे। एक ये और डिब्बा है देखो, ये भी, ये कैसा है, ये भी तो चकोर है ना? अच्छा आप बताओ, आपके घर में और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो चकोर हो सकती हैं? देखो, सोचो, आपकी कॉपी है, कॉपी कैसी है आपकी, चकोर है ना आपकी कॉपी? और आपकी किताब, वो भी चकोर है ना? और आपका टेबल, आपके घर में मेज तो होगा, टेबल जिसे बोलते हैं, है ना, तो टेबल भी चकोर होता है। घर की खिड़की, वो चकोर होती है ना। अब घर का दरवाज़ा, वो भी चकोर होता है। और जो बेड इस पे आप सोते हो, है ना, वो भी, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बेड भी, वो भी चकोर होता है। अब देखो, टीवी भी चकोर होता है। अब देखो बेटा, ये तो हो गया गोल और चकोर चीज़ें और लंबी चीज़ें। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये चीज़ें कैसी कैसी दिख रही हैं। ये ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, जोकर की, ये क्या है ऊपर, सबसे जोकर की कैप है ना। तो ये कैसी है, ये देखो, ये तो ना तो हमें लंबी लग रही है ना, ना ये ऐसी चकोरी दिख रही है, ना कोई गोली दिख रही है, तो इसे क्या कहेंगे? देखो, जो ये ऊपर से पतली है और नीचे से चौड़ी है, तो देखो, अब ऐसी चीज़ों को जो एक तरफ से पतली होती हैं और एक तरफ से चौड़ी होती हैं, और कुछ इसमें तीन कोने भी होते हैं इनके, तो इनको हम तिकोनी चीज़ें कहते हैं। अब जैसे ऐसे कोई आइसक्रीम है, ये भी देखो ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है, तो इसे भी हम तिकोनी चीज़ कहेंगे। इसके कोने भी हैं देखो, एक ये और एक ये तीन कोने हो गए, तिकोनी हो गई। अब ये कीप देखो, ये तेल डालने वाली कीप है ना, इससे तेल डालते हैं ना, जो जब किसी बोतल में तेल डालना होता है, कंट्री में से बड़े बर्तन में से छोटे बर्तन में डालना होता है, तो इससे डालते हैं। इसके ऊपर का मुँह चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है, तो देखो ये भी, ये देखो ऊपर चौड़ा है और नीचे से पतला है, तो ये इसे हम कीप कहते हैं ना, तो ये इससे भी तिकोनी चीज़ कहेंगे। अब ये देखो, ये पेंसिल है, तो इसके ऊपर देखो, सबसे ऊपर इसको, इसकी नोक देखो बेटा, है ना, नोक नीचे से क्या है, नीचे से चौड़ी है और ऊपर से पतली है। अब आप सोचो, आपके घर में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो तिकोनी हो सकती हैं, कुछ सोचो, याद आया कुछ? अब देखो, आपकी मम्मी कपड़े प्रेस करती है ना, हैं, तो वो जो प्रेस होती है वो कैसी होती है, वो भी तिकोनी होती है। और जो जिनके घर कच्चे होते हैं, जिनकी छत की, छत जो छप्पर की होती है, झोंपड़ी जिसे बोलते हैं, हैं, तो वो छत भी तो कैसी होती है, वो छत भी तो तिकोनी होती है ना, है ना?
और जैसे कुछ घरों में जो पक्के घर हैं उनके ऊपर माउंटी बनी होती है, इसको कहते हैं सबसे ऊपर छत के ऊपर जो बनाते हैं ना माउंटी बनाते हैं, तो उसकी छत भी कुछ लोग तिकोनी बना देते हैं, है ना। तो आपकी समझ में आया बेटा, हमारे आसपास पाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ चौकोर होती हैं, कुछ तिकोनी होती हैं, है ना। तो अब आपको बेटा क्या करना है, आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, आपको उस होमवर्क को अपनी कॉपी में करना है और जब आपके मैडम कहेंगी आप उनको दिखाना। तो आपने क्या करना है, अपने मम्मी पापा से पूछ के या अपने बड़ी भाई बहन के साथ मिलके अपने घर में जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे है ना, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बेड है, टेबल है, ऐसी सब चीज़ों के नाम, गोल चीज़ों के नाम अलग लिखने हैं, तिकोनी चीज़ों के नाम अलग लिखने हैं, चकोर चीज़ों के नाम अलग लिखने हैं और लंबी चीज़ों के नाम अलग लिख रहे हैं, ठीक है। आप उनको कॉपी में लिखना और बाद में मैडम को दिखाना, ठीक है बेटा, ओके बाय।